हे गाइस, कैसे सारे सारे स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और धमाकेदार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की न्यू अपडेट वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, न्यू अपडेट के अंदर हॉरर मोड आ चुका है एंड इसको मैंने एक्टिवेट भी कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कब्रिस्तान दिख रहा होगा एंड ये काफी ज्यादा हॉरर मोड है एंड इसको आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूरा मोड दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दूर दूर तक देख सकते हो, काफी सारी कब्र दिख रही होंगी एंड जैसे ही आप काफी आगे आओगे तो यहाँ पे आपको एक हाउस भी देखने को मिलेगा, तो मैं आपको हाउस के अंदर भी लेके चलता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप आगे आओगे तो यहाँ पे आपको ये वाला हाउस देखने को मिलेगा जो कि ग्रैनी हाउस की तरह देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे हाउस तो ऐसे काफी बड़ा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस मोड को आपको कैसे एक्टिवेट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्लेगिंग ऐप है इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो नीचे देखो चैलेंज मोड वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही मोड देखने को मिलेगा, यानी कि एक चैलेंज देखने को मिलेगा। तो आपको इसके नीचे देखो सेलेक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक लिंक कॉपी हो जाएगी, ठीक है। लिंक कॉपी होने के बाद में अब आपको क्या करना है, जो हमारा गेम है इसको आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखो मैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम प्ले पे क्लिक करेंगे एंड हमारा जो गेम है ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका सेल फोन है इसको आपको ओपन करना है। इसके बाद देखो यहाँ पे नीचे बीच में एक सर्च वाला छोटा सा आइकन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक पेस्ट करने का ऑप्शन आएगा, जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करोगे लिंक पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे वेट का ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसके बाद देखो इस तरीके से 5 मिनट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको 5 मिनट है ना गेम को ओपन करके चलाना है। यहाँ पे 5 मिनट बाद है ना आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 मिनट बाद जो गेम है इसको यहाँ से बिल्कुल बैक कर देना है। एंड इसके बाद देखो इस तरीके से प्ले का ऑप्शन आ जाएगा फिर से। अब आपको क्या करना है, नीचे जो चैलेंज वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे चैलेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे चैलेंज के अंदर बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं, आपको लास्ट में देखो हॉरर मोड वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे इसके बाद है ना आपका गेम इस तरीके से ओपन होगा और आप है ना यहाँ पे हॉरर मोड के अंदर आ जाओगे इस तरीके से। अब देखो हमारा हॉरर मोड है वो ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे काफी ज्यादा डरावना, देख सकते हो कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। अब इसके बाद आपको सामने गेट दिखता है, इस गेट से अंदर एंटर होना है। अंदर जैसे ही एंटर होगे आपको सामने की तरफ देखो काफी सारी कब्र देखने को मिलेंगी एंड यहाँ पे काफी ज्यादा हॉरर मोड है, मतलब काफी ज्यादा डरावना लग रहा है मुझे तो। एंड आपको ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसके बाद जैसे ही आप आगे आओगे तो आपको देखो ग्रैनी वाला हाउस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, सामने देख सकते हो ग्रैनी वाला हाउस है, तो इसके अंदर आपको एंटर हो जाना है। इसके अंदर है ना आपको एक भूत भी देखने को मिलता है जो आपके अटैक करने की कोशिश करेगा, अगर आप उसके पास जाओगे तो वो आपको किल भी कर देगा। सबसे पहले तो इस हाउस के अंदर आपको नीचे कुछ कमरे देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे ग्रैनी मोड के अंदर कमरे देखने को मिलते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे काफी सारे कमरे आपको देखने को मिलते हैं और काफी ज्यादा ये डरावना मोड है। इसके बाद देखो आपको ऊपर भी देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप ऊपर आओगे तो देखो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये भूत आ चुका है, इसने मेरे ऊपर अटैक भी कर दिया है, तो इससे बचना नामुमकिन है क्योंकि ये आपको किल कर देगा एंड यहाँ पे देख सकते हो मुझे इसने किल कर दिया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हॉरर मोड को एक्टिवेट करना है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस आज के लिए इतना ही।